नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत कर नीलिमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। 2022 शेष सुधा 500 कोटी कोविड वैक्सीन रो डोज उत्पादन करने को प्रस्तुत भारत। G20 बैठक में कोरोना विरोध में भारत लड़ई कथा कहले मोदी। सेपटे गस्तर तृतीय दिन में राष्ट्रपति बाइडेन को आयोजित कार्यक्रम में हे सामिल। स्पेन और जर्मनी राष्ट्रमुखियों सहित करेंगे आलोचना। G20 विश्वकप्रे आज भारत न्यूजीलैंड टक्कर। 18 वर्ष पर विश्वकप्रे न्यूजीलैंड को हर ओह्लैब विराट बाहिनी। विजय सहित सेमीफाइनाल रास्ता हेब सहज। दुई देश कर बामर स्थिति। आज राजधानी विभिन्न अंचल यात्रा कर स्वर्णिम विजय मशाल। जयदेव बिहार आरबीएल बैंक ठार खंडगिरी नवीन निवास। शिशु भवन मौसीमा मंदिर छक होटेल ग्रांड आसव। संध्या रवींद्र मंडप ठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन। भूलीगले मनीष पुणिया शबक देलेनी कांध। ट्रली में बुहाले श्मशान गना महिला मृत शरीर। पुरी आसला सभ्य समाज लज्जित करने पर घटना। आ पदारे बढ़ला प्रशासन अवहेला। गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को अंडामाड़। निज निर्वाचन मंडली जूनागढ़ में मंत्री को अंडामाड़। ममिता प्रसंगे सरकार को हमला सहित दिव्यशंकर भूमिका को नहीं प्रश्न उठाले रेखाश्री सामंत सिंघार। एसपी जदि सांगे बुलिबे ताहले तदंत करिब किए। सेपटे आज कैपिटल थाना एफआईआर देव बीजेपी। सफल है प्रधानमंत्री मोदी उद्यम। 248 कलाकृति भारत को फेर आमेरिका। आंतर्जातिक बजार मूल्य 15 मिलियन डॉलर। भारत चोरी हुई आमेरिका पहुंची प्राचीन मूर्ति। नष्ट सामग्री को मिलु श्रेष्ठ रूप। पुराणा भंगा लंठन आरंभ कर खाली काच बोतल सबुति देखा मिलू विस्मय कला। राजधानी गृहिणी कल्याणी घर पलटि चित्रशाला। यूट्यूब चैनल खोली देखते ২০২২ शेष सुधा देश एवं विश्वप 500 कोटी कोरोना वैक्सीन रो डोज उत्पादन करने को प्रस्तुत भारत। रोम रे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना देते। G20 शिखर सम्मेलन प्रथम सेसन को संबोधित करी मोदी भारत कोवैक्सीन को जरूरी कालीन व्यवहार अनुमति देवे हूर विलंब कथ उठाई। वैदेशिक सचिव हर्ष श्रृंगला कहते प्रधानमंत्री मोदी G20 को कहते जे कोवैक्सीन को हूर अनुमोदन भारत प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बहुत दूर जीव। कारण ये टीका विकासशील देश को वर्तमान असमानता ह्रास करिबारे सहाय्य करिब। G20 बाहर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रन सहित आलोचना करते। मोदी साक्षात पर हिंदी में ट्वीट कर खुशी व्यक्त करते फ्रांस राष्ट्रपति। मैक्रन लिखिंट आम भारत सहित परिवेश स्वास्थ्य और नवसृजन साधारण अभिलाष रखुचु। आमे भलो परिणाम दिगरे मिलमिशी काम करिबा जारी रखिबो मुख्यतः हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। सेबले प्रधानमंत्री आज यूरोप गस्तर तृतीय दिन रोम रो प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन परिदर्शन आरंभ करिबे। या सहित अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जोगान श्रृंखला स्थिरता पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जोगदेवार कार्यक्रम रही। या सहित रोम में होगा G20 शिखर सम्मेलन बाहर स्पेन राष्ट्रमुख्य और जर्मनी चांसलर आंजेला मार्केल सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिबार कार्यक्रम रही। Prime Minister conveyed that India has not only vaccinated over a billion of our citizens, but more important is that we are ready to produce over 5 billion vaccine doses by the end of next year. This obviously will be available not only for our citizens, but the rest of the world, and that this is our own contribution to reducing, as I mentioned, vaccine inequities, especially in the developing world. Obviously, we also believe that the WHO's approval, the emergency use authorization for Covaxin, our indigenous vaccine pending with them, would facilitate this process of our assisting other countries. In addition, the Prime Minister will also attend a side event hosted by President of the United States, His Excellency Mr. Joe Biden,
on supply chain resilience. He will also hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit. Thereafter, the Prime Minister will depart for Glasgow, where he will attend the COP26 summit. T20 विश्वकप्रे आज मुहांमुही हे भारत न्यूजीलैंड दुबईर अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टाडियम रे संध्या 7:30 रे खेला जिवो मैच ग्रुप बी रो ए मैच दुई देश पई बेस गुरुत्वपूर्ण न्यूजीलैंड विपक्ष मैच भारत पई बेस गुरुत्वपूर्ण करथुआ बले टीम इंडिया जोरदार प्रस्तुति करछि प्रथम मैच रे पाकिस्तान थारु लज्जाजनक पराजय परे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच जीति विश्वकप सेमीफाइनल को जीवा रास्ता उज्जीवित रखिबा को चाहू छि भारत पराजित दल पई सेमीफाइनल जीवा कष्टकर होई जीवो दुई टीम वर्तमान सुद्धा सुपर 12 रे विजयर स्वाद चाखिनांते कहबा गले भारत न्यूजीलैंड रे मैच एक प्रकार नॉकआउट मैच ए परिस्थिति रे एहा एक रोमांचक रेबा को जाउची सेमीफाइनल रे पहुंचबा कले आज रे मैच को भारत जितिबा बेस जरूरी विश्वकप रे भारत गत 18 वर्ष रे न्यूजीलैंड थारु गुटे पे मैच जिति पार नाही टी20 विश्वकप रे भारत एपो न्यूजीलैंड मथरे दुईटी मैच होइतबा बले उभय रे भारत को पराजय रा सामना करबा को पठला से 17 पई 2003 विश्वकप्रे गांगुलीक नेतृत्वाधीन भारतीय टीम स्टीवन फ्लेमिंग टीम को 7 विकेट हरते प्रत्यावर्तन करिवारे माहिर थिबा विराट बाहिनी आज मैच रे बड़ विजय हासिल करिवो बोली आकलन करा जाउछि असुन नजर पकेबा भारतर संभाव्य एकादश उपरे रोहित शर्मा केएल राहुल विराट कोहली सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या रविंद्र जाडेजा शार्दुल ठाकुर मोहम्मद सामी वरुण चक्रवर्ती जसप्रीत बुमराह आज मैच रे भारतीय टीम रे शामिल होई परंती सेपरी न्यूजीलैंड संभाव्य एकादश रे मार्टिन गप्टिल डेरिल मिचेल केन विलियमसन डेविन कनवे ग्लेन फिलिप्स जिमी निजम टीम सफर्ट मिशेल सेंटनर एडम मिल इज सोडी ट्रेंट बोल्ट शामिल होई परंती ए संपर्क अधिक आलोचना करिया पे रहिछन्ते हम प्रतिनिधि सुशांत साहू सुशांत टी20 मैच एक तो रोमांचक किंतु जदि आमे देखिबा पूर्व मैच रे पाकिस्तान थारु भारत जुबली भाव रे पराजय बरण कला तेणु आज मैच बेस गुरुत्व रखुचि जदि आमे देखिबा सेमीफाइनल एंट्री पई उभय टीम पई टा करबा मोर तो आज मैच को केमिति देखुचंती क्रीडा समीक्षक माने देखंतु नीलिमा आपण जो कथा कहुथले आज एक प्रकार नॉकआउट मैच एवं क्वार्टर फाइनल मैच कहिले अत्युक्ति हेबो नाही दुईटी दल पई कारण उभय दल पाकिस्तान ठारु पराजय बरण करिसेंति आपण देखंतु वर्तमान भी कहिया गले न्यूजीलैंड दलर जो स्थिति रहिछि भारतीय दलर स्थिति ताठारु बेस अधिका रहिछि मात्र क्रिकेट गोटे अनिश्चिततार खेल आमे कोनोसी भी किछि आकलन करबा ठीक नो आपण जानिथिबे पाकिस्तान विपक्ष मैच पूर्वरु भारतीय रो जोभली भाबे दल थिला बहुत हेवीवेट दल थिला एवं समते आमे आशा करथिलु पाकिस्तान विपक्ष रे भारत विजय हासिल करिवो मात्र जहां आम समस्त आकलन थिला आकलन भूल प्रमाणित होला एवं भारत विपक्ष रे पाकिस्तान एक प्रकार सहज विजय हासिल कला सेइभली भाबे आपण देखंतु वर्तमान जो भारतीय दल रहिछि जदि किछि भी मिस करूछि गोटे होउछि फिनिशर गोटे भलो फिनिशर को मिस करूछि आउ गोटे सिक्स बोलिंग ऑप्शन को मिस करूछि जोटा कि भारत पई सबुबेले करि आसुथिले हार्दिक पांड्या जहांको किछि समस्या जोगु आहत समस्या जोगु से एहा करि परुनांती एवं जहां आम पई शुभ खबर जे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच पूर्वरु हार्दिक पांड्या को आमे नेट रे बोलिंग करथिबार मध्ये देखिबा को मिलथिला ता सहित महेंद्र सिंह धोनी जे कि मेंटर रहिछन्ती तांको ठारु टिप्स नै तांकर जो पावर हिटिंग कैपेसिटी रहिछि से पावर हिटिंग कैपेसिटी मध्य देखौथिबार आमको नजर आसथिला अन्य पक्षरे न्यूजीलैंड दल आपण जानिछन्ती आमे तांकु डार्क हॉर्स भाबे मध्य कहिथाउ मात्र वर्तमान जदि देखिबा न्यूजीलैंड दलर समस्या रहिछि तांकर फिफ्थ बोलिंग ऑप्शन समस्या रहिछि ता सहित डेथ ओवर बोलिंग समस्या रहिछि लोकी फर्गुसन जे जदि दीर्घ दिन हबो देखि आपण देखि आसिबे लोकी फर्गुसन जे कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भाबे कार्य करथिले न्यूजीलैंड दल पई वर्तमान से टी20 विश्वकप आरंभ हेबा पूर्वरु से आहत होई संपूर्ण टूर्नामेंट रु बाद पडिजेंती जहां फल आपण देखि पारथिबे पाकिस्तान विपक्ष जो मैच टी खेला गला जदि न्यूजीलैंड पराजय बरण करिला तबे डेथ ओवर रे बोलिंग समस्या जोगु से पराजय बरण करिला आपण देखंतु न्यूजीलैंड पाखरे दुईटी वर्ल्ड क्लास बोलर रहिछन्ती टीम साउदी एवं ट्रेंट बोल्ट उभय नुआ बॉल ले बॉल को उभय दिगरे स्विंग करिबारे माहिर एवं पावर प्ले रे विकेट नबारे माहिर मात्र जदि डेथ ओवर को जतबेले आसंती डेथ ओवर रे आपण टीम साउदी एवं ट्रेंट बोल्ट उभय एते भलो बोलिंग करि नथांती एवं प्रबल रन व्यय करिथांती तणु एई दृष्टि देखिया गले वर्तमान जो तांकर जो बोलिंग समस्याटी रहिछि फिफ्थ बोलिंग रो ऑप्शन तांको पाखरे नाही जा फलर बैटिंग ऑलराउंडर
जिमी नसेम को तांकर पंचम बोलर भाबे से माने खेलाउचंती। तले सुशांत कोन लागुची की जो 18 वर्ष जो रेकॉर्ड एपोचंत रही छि की भारत गोटी भी मैच जीती पर नहीं, माने जदि हम देखिबा न्यूजीलैंड सहित तो सेमति किछो बड़ा कमबैक करि परिबे की करिवो की टीम इंडिया, कारण सबले जेमति आपण भी कहुतले की टीम इंडिया रो गोटे बड़ा रेकॉर्ड की कमबैक बड़ा दमदार हिसाब रे करंती। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କେବେ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିନଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ବି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜିତିନଥିଲା ଏବଂ 5-0 ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହରାଇଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନାହୁଁ ଏବଂ 2-0 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆମଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2019 ଯୋଉଟା ଆମର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା, ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଭାରତ ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଭାରତ ମଧ୍ୟ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଏବଂ ତାର ସେ ଯୋଉ 19ର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶତଟା ଏବେ ନବ। ସୁଶାନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ଖାସ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ଆଶା ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିବା, ସୋ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲର୍ଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଲ୍ ଓଭର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିମ୍ ଏଫୋର୍ଟ ଟିକେ ଲେସ୍ ରହିଥିଲା, ତ ସେ ଉପରେ କେତେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥିବ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ? ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଓପନରଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଯୋଉ ଦଳ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହଉଛି। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବି ଯେତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଯୋଉ ଦଳ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଦଳ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛି ଏବଂ ବଡ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଟସ୍, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଦଳ ବି ଟସ୍ ଜିତେ ସବୁବେଳେ ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଡିୟୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଡିୟୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି ସେହି ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା ସୁଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତ ଆଶା କରିବା କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସୋ ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ସୋ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କି ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭୁଲିଗଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଶବକୁ ମିଳିଲାନି କାନ୍ଦ, ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହୋଇ ଶ୍ମଶାନ ଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଶବ, ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପରି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀରେ। ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଟ୍ରଲିରେ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ମଙ୍ଗଳାସାହି ଅଞ୍ଚଳର ମାମୁନି ନାୟକ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହି ଲୋକେ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକଘରିଆ କରିଥିବାରୁ ଶବ ବୋହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଅସହାୟ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଗାଡ଼ି 2019 ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ CDMOଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମୃତକ ଏଭଳି ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମମିତା ହତ୍ୟା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁନାଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହେର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହତ୍ୟା ଓ ନିଆଁ ଜଳୁଛି,
कुश पुतलिका दाह कोकई शोभायात्रा एसपी ऑफिस घेराउ राजरास्तार शोभायात्रा और प्रतिवाद दीर्घ 22 दिन धरी चली भितरे कैप्टेन सफेई देइछंती गणमाध्यम विरोध में मानहानी मोकदमा मध्य करिछंती मात्र तांको निर्वाचन मंडली रे तांको उपरे अंडा पड़ी मंत्री नारे जौन केलेंकारी गुरुतर अभियोग अभियोग खोद मृतक ममिता बापा आनी शारीरिक संपर्क मंत्री आसुले गोविंद कलेज को यह ममिता मेहर बापा विस्फोरक बयान शारीरिक संपर्क रखा आसुले मंत्री आसुले से गोविंद साहू को धरिकी से अति घनिष्ठ संपर्क थिला मंत्री सांगरे प्रत्येक स्टूडेंट सांगरे संपर्क रखा से चेष्टा करथिबे से गोविंद साहू आ मंत्री को मंत्री कथा कहउछन्ते आपन गृह मंत्री स्कूल रो पुरातन छात्र और स्थानीय बासिंदा आनिछंती समान अभियोग मां माणिकेश्वरी को नारे हल्लप करी मंत्री निज को निर्दोष कहिछंती मात्र माणिकेश्वरी को आदि पीठर जनता बोधवे कैप्टेन को सफेई रे संतुष्ट नहंती आउ सेति पई फुलमाल नुहे मंत्री को पड़ुछि अंडा माड़ जेबेठु ममिता मेहर हत्या मामला आसिलानी मंत्री को उपरे ओ घरे हेलानी अनेक थर अंडा माड़ जीरो रिपोर्ट अर्गस सेपटे ममिता हत्याकांड प्रसंग को नहीं सरकार को उपरे बीजेपी हमला गृहमंत्री कैप्टेन देवेशंकर मिश्र भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंगा आ जिलापाल और एसपी सहित मंत्री बुलवा फटो को धरी कैप्टेन को उपरे बरसिले लेखाश्री ममिता हत्याकांड प्रसंग को नहीं सरकार को उपरे बीजेपी हमला गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रा भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार आ जिलापा और एसपी मंत्री बुलवा फटो को धरी कैप्टेन बरसिले लेखाश्री लेखाश्री सांबादिकम्मन अभोग कर कैप्टेन काम गोटे कथा गोटे जूनागढ़ बुलुंती ममिता घर को जापार ना एसपी जदि सांगे बुलवे तादंत कर किए मंत्री विरोध में सहयोगी कर्मचारी तदंत केमिति करिबे मंत्री जिलापाल और एसपी को धरी बुलिबा ओडिशावासी को मर्माहत करिछि ममिता माँ हॉस्पिटल ले आ मंत्री भ्रमण रे ममिता हत्याकांड एक योजनाबद्ध हत्याकांड को भली भाबरे मंत्री एसपी और कलेक्टर खोला खोली बुलुचंती ए भली घड़ी संधि मुहूर्त मंत्री बेक टिके कहला ना जे कौन घटना स्कूल रे घटला केमिति 23 वर्षर युवती को काटि काटिक छिन्भिन करी पोड़ी दे कि मारे से विषय चिंता नहीं बॉडी लैंग्वेज रो संवेदनशीलता देखा भी जाऊनी तांको बॉडी लैंग्वेज रो जना पड़ूनी से दुखित तो बोली निज निर्वाचन मंडली घटी फोटो नजर पकातु केमिति जिलापाल एसपी को साथीरे धरी निज निर्वाचन मंडली जूनागढ़ में बुलुचंती मंत्री दिव्यशंकर मिश्र एक सरकारी कार्यक्रम पर स्थान देखुचंती मंत्री एटि प्रश्न उठुची बारीपदारे अतिथि थाई जोग दे नथिबा मंत्री एथर मंच रे बसिबे तो जपडे मंत्री को एपरी परिदर्शन को नै सरकार को उपरे बरसिची बीजेपी स्पष्ट जणा पडुची जे ये आइन को फू करिकरी पूरा जिंस को गोटा अति हल्का भाव दर्शेबा पई कि आउ तथ्य प्रमाण को नष्ट पुलिस को धरिकी साथी रे एसपी को धरिकी साथी रे कलेक्टर को धरिकी साथी रे बुलुचंती कौन प्रमाणित करने चाहूंजे आईन मो पॉकेट रे अच्छी तोर मत कही धरी पारिबेनी जेडे बड़ जघन्य कांड कले भी खसी जीवी पुणी विवाद रे कैप्टेन को भूमिका विवृति दे चर्चा रे थिबा मंत्री एबे ममिता घर को न जाई निज निर्वाचन मंडली रे बुलिबा बड़ किंतु सृष्टि करिछि भुवनेश्वर अभिनय आदित्य नायकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ममितांको न्याय पाई जळुछि ओडिसा रास्तारे बीजेपी कांग्रेस ओ जनता विभिन्न जिल्लारे बंद ओ एसपी ऑफिस घेराउ कैप्टेन को इस्तफा सीबीआई तदंत ओ ममितांको परिवार को न्याय पाई समस्त जिमिति एकमत सेबडे ममिता मेहर को हत्या घटना रे परिवार अभियोग अनुसार राज्य गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को तदंत परिसरभुक्त ओ तुरंत गिरफ दाबी रे आज कैपिटल थाना रे एफआईआर देबो भुवनेश्वर सांगठनिक जिला बीजेपी सकाळ 10:30 रे कैपिटल थाना रे एफआईआर दिया जबो बोली सूचना देछंती भुवनेश्वर सांगठनिक जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह। सफल हैला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यम भारत को फेरला तार अमूल्य प्राचीन संपद से सब संपद विभिन्न समय चोरी हुई चली जाता अमेरिका पूर्व प्रतिश्रुति अनुसार एवं अमेरिका भारत को फेर से सब प्राचीन संपद जहाँ कहुए आंटिक्यूटी एवं यहपरी मोट 248 आंटिक्यूटी भारत को हस्तांतर कर अमेरिका यह विश्वर सबुठ बड़ कलाकृति हस्तांतर व फेरस्त घटना कह। प्रधानमंत्री मोदी उद्यम भारत को फेरला बहु प्राचीन कलाकृति 248 कलाकृति भारत को फेरला अमेरिका आंतर्जातिक बजार रे मूल्य हेब 15 मिलियन डॉलर। विभिन्न समय रे भारत रु चोरी हो अमेरिका रे पहुंचला प्राचीन मूर्ति और कला सामग्री आग को आहुरी अनेक प्राचीन वस्तु फेरिबार प्रक्रिया आरंभ सफल हैला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्यम भारत को फेरला तार अमूल्य प्राचीन संपद से सब संपद विभिन्न समय चोरी हो चली जाता अमेरिका पूर्व प्रतिश्रुति अनुसार एवं अमेरिका भारत को फेर से सब प्राचीन संपद जहाँ कहुए आंटिक्यूटी एवंपर मोट 248 आंटिक्यूटी भारत को हस्तांतर करमेरिका यह विश्वर सबुठ बड़ कलाकृति हस्तांतर व फेरस्त घटना कहुच्छे। अमेरिका भारत को फेर आंटिक्यूटी प्राचीन वस्तुर आंतर्जातिक मूल्य हेब अति कम्रे 15 मिलियन डॉलर सेगुड़िक मध्य अधिकांश होती सुंदर कारुकर्यपूर्ण देवादेवी मूर्ति जहाँ धातु एवं पथर तैयारी एवं आंतर्जातिक चोरा बजार जार मूल्य बेस अधिक सहित अनेक दुर्मूल्य पथी एवं अन्यान्य सामग्री रही अनेक प्राचीन कलाकृति मध्य दशम शताब्दी में बहुमूल्य नटराज मूर्ति रही जमापड़ी जहाँ तांजभुर एक पुराणा मंदिर चोरी हो विभिन्न बाट दे पहुंचा अमेरिका। अन्य जो सबू बहुमूल्य प्राचीन कलाकृति व आर्टिफैक्ट रही से 13 सामग्री केवल तमिलनाडुर विभिन्न मंदिर चोरी होता सूचना अनुसार बहु वर्ष धरी भारत विभिन्न प्राचीन मंदिर म्यूजियम एवं अन्य स्थान चोरी होता मूर्ति एवं अन्यान्य कलाकृति स्मगलर व चोरा बेपारी द्वारा सेगुड़िक मध्य किसी विभिन्न देश दे अमेरिका पहुंचा। भारत चोरी होता प्राचीन वस्तु को उद्धार करने अनेक दिन आरंभ होता अनुसंधान सरकार पुरातत्व विभाग सहित एतक घर अनुष्ठान और व्यक्तिशेष हाथ बढ़ाई आधुनिक वैषयिक विद्या द्वारा कलाकृति गुड़िक ट्रैक करिबा संभव होता किछिदिन तले भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्वाड बैठक पर अमेरिका जाता बेले 157 प्राचीन कलाकृति भारत फेरबार बाट फिटिता पर आहरी 91 कलाकृति मिसाई मोट 248 सामग्री फेराई अमेरिका एवं न्यूयॉर्क रे भारतीय कन्सुलेट कार्यालय रे एक स्वतंत्र बैठक आयोजन करी अमेरिकार अधिकारी माने भारत को से सब फेर पूर्व विभिन्न समय रे भारत को प्राचीन कलाकृति फेरी मोदी समय रे सबुठ अधिक कलाकृति भारत को फेरवा संभव होग को भारत चोरी हो जा कलाकृति गुड़िक फेर आने प्रक्रिया जारी रही क्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ मुख्य रास्ता कपासिया निकट में मर्मन्तुद दुर्घटना शौच करने को जाइए अजना गाड़ी धक्कर दुईज महिला मृत्यु मृतक दुईज होती कपासिया गांव सावित्री महापात्र आछे प्रधान बोरु दुईज गांव निकट में किसी दूर को रास्ता पर शौच करने को जाता समय अघटन घटी तेज दुर्घटनास्थल में उत्तेजना देखाई रास्ता पर शव पड़ रही बेले क्षतिपूरण दाबी में खोर्धा बलांगीर राजपथ अवरोध करते स्थानीय लोके घटनास्थल में बोलगढ़ पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर।
1971 मसीह पाकिस्तान उपरे भारतर विजय लाभर 50 वर्ष पूर्ति पालन उपलक्षे वीर जवान को प्रदर्शन लागि भुवनेश्वर पहुंचीवा स्वर्णिम विजय मशाल आज राजधानी विभिन्न अंचल यात्रा करिव आज जयदेव बिहार स्थित आरबीएल बैंक ठार शोभा विजय मशाल खंडगिरी पलासपल्ली नवीन निवास परेश पार्क शिशु भवन मौसीमा मंदिर छक होटेल ग्रांड आसब या सहित संध्या रवींद्र मंडप ठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो कोविड कटकणा अनुपालन दृष्टि सीमित संख्यक अतिथि उबीर जवान मैंने उपस्थित रहिबे अक्टोबर 29 रे राजधानी भुवनेश्वर पहुंचीवा विजय मशाल नवेम्बर 3 तारीख पर्यंत भुवनेश्वर ओ यार एवं 4 तारीख में कटक रोकता 1971 युद्ध अंशग्रहण करीर जवान गृह को विभिन्न समय यात्रा कर समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।